पहली से 12वीं कक्षा के राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि 10 अक्टूबर के बाद भुगतान करना शुरू होगा। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं जिलों के द्वारा छात्र छात्राओं की सूची को अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे 10 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की राशि भुगतान को लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। बता दें कि राशि DBT के माध्यम से बच्चों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। पहली से 12वीं के विद्यार्थियों को पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और किशोरी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत राशि का भुगतान किया जाना है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं की सूची 30 सितंबर तक मध्य सॉफ्ट पर एंट्री करने को कहा है। इसी क्रम में प्रधानाध्यापक के स्तर से अप्रैल से सितंबर माह तक 75% उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को चिन्हित करना था। विभाग ने यह साफ किया है कि 75% हाजिरी जिन बच्चों की रहेगी, उन्हें ही सरकार का ये लाभ योजना मिल पाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा अपने जिले की सूची को अनुमोदित करना है। बता दें कि 17,000 स्कूलों के बच्चों की एंट्री नहीं है। राज्य भर में 75,000 सरकारी स्कूलों के करीब 17,000 स्कूलों ऐसे हैं जिनके बच्चों की एंट्री है ही नहीं और ये कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इन स्कूलों को लेकर विभाग जल्द ही अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। वहीं राज्य के सरकारी विद्यालयों की पहली से 12वीं तक की कक्षा में करीब 2 करोड़ छात्र छात्राएं नामांकित हैं। इनमें 2.25 करोड़ की एंट्री की जा चुकी है। बाकी की एंट्री को लेकर के जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं। फिलहाल एंट्री को जारी रखने को कहा गया है और जल्द से जल्द इस डाटा को सरकार को सौंपने को कहा गया है, ताकि शिक्षा विभाग के तरफ से जो भी लाभुक योजनाओं की राशि है वो इन सभी बच्चों के खातों में जा सके। और रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।